नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मंगलवार को चंडीगढ़ में पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि कोरोना के मद्देनजर स्कूल कॉलेज बंद करने को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, अभी सब ठीक चल रहा है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो निश्चित तौर पर शिक्षण संस्थान बंद करने का विचार करेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नए शैक्षणिक सत्र के लिए दाखिले अप्रैल के अंत में शुरू किए जाएंगे, उस समय की परिस्थितियों को भी मद्देनजर रखा जाएगा। पहली दूसरी कक्षा की परीक्षाएं मौखिक होंगी, तीसरी से आठवीं कक्षा तक की परीक्षाएं ऑनलाइन होगी। उन्होंने कहा कि अवसर ऐप के माध्यम से पेपर होगा, एक मोबाइल पर 5 बच्चे पेपर दे सकते हैं। 9वीं व 11वीं की परीक्षा ऑफलाइन होगी। विश्वविद्यालयों को परीक्षा के संबंध में छूट दे रखी है, वे ऑनलाइन या ऑफलाइन परीक्षा अपने हिसाब से करवा सकते हैं। किसान आंदोलन पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि नए कृषि कानूनों में कोई कमी नहीं है, किसान जिद कर रहे हैं। किसानों को कानून और वैक्सीन की जानकारी नहीं है, किसान गांवों में वैक्सीन नहीं लगवाने दे रहे हैं, यह बात ठीक नहीं है। किसानों ने कानून नहीं देखे हैं, नए कानून देश और किसानों के हित में है, जिद करना ठीक नहीं है, संशोधन करने को सरकार तैयार है। उन्होंने कहा कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं। देखिए चंडीगढ़ से संवाददाता सौरभ शर्मा और कैमरामैन किशन कुमार की रिपोर्ट। क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से पूरा शेड्यूल रहने वाला है एग्जाम को लेकर? देखिए, जो पहली से दूसरी की कक्षाएं हैं, मौलिक जो रूप से छात्रों का जो टेस्ट है वो उनके अभिभावक की सहमति के साथ ही उनका टेस्ट लिया जाएगा, और तीसरी से आठवीं तक की जो बच्चों की परीक्षा है वो हम ऑनलाइन एक ऐप हमने डेवलप किया उस पर ही लेंगे। पिछली बार भी हमने उसको ही किया था और उस पर लगभग 80% जो बच्चे थे उस पर जुड़े थे। अब की बार हमें उम्मीद है कि उस पर 90% तक बच्चे अब की बार जुड़ जाएंगे, और उस पर एक ही मोबाइल पर 5 बच्चे टेस्ट दे सकते हैं, और सुबह 5 बजे से लेके और रात के 12 बजे तक ये जो ऐप है ये खुला रहेगा। इसके बाद जो 9वीं से 11वीं तक की परीक्षा है वो हम ऑफलाइन लेंगे, और बोर्ड ने जो पेपर है उसका वो सेट कर दिया। लेकिन अगर कोई इस प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं कि जैसे कोरोना के केस बढ़ रहे हैं तो उसमें दोबारा से भी निर्णय ले सकते हैं। चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से फैसला किया गया है जी, लगातार केस बढ़ रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस को बंद किया गया, पंजाब में भी इससे पहले फैसला किया गया था, तो हरियाणा सरकार भी शिक्षा विभाग कुछ ऐसा करने की तैयारी में, परीक्षाएं भी आगामी है, तो इसको लेकर कुछ रणनीति तैयार की गई, कुछ चर्चा की गई आपने? देखिए, अभी तक कुल मिलाकर ठीक चल रहा है, लेकिन अभी अगर कुछ इस प्रकार का कोई परिस्थिति बनती है सामने आती है कोई, तो निश्चित तौर से उस पर परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेंगे। मंत्री जी, पिछला साल जो है वो बच्चों का पूरा साल घर से ही पढ़ाई रही, ऑनलाइन पढ़ाई रही, ऐसे में नए सत्र को लेकर क्या कुछ प्रारूप जो है वो तैयार किया गया है, किस तरह से रहेगा, क्या इसी चीज को आगे बढ़ाया जाएगा, या फिर नए सत्र के दाखिलों को लेकर क्या कुछ तैयारियां जरूर की जा रही है? देखिए, तैयारियां हमारी है, अप्रैल के लास्ट में हम एडमिशन शुरू करेंगे, और हमारा इरादा तो है कि हम सीधा स्कूल अपने खोल लेंगे, जिस प्रकार से आज खुले हैं स्कूल खुले रहेंगे, लेकिन ये परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। फिर भी ये कुछ जरूरी नहीं है कि यही निर्णय रहेगा, जैसी परिस्थितियां होंगे उसके हिसाब से निर्णय लेंगे। देखिए, यूनिवर्सिटी में हमने यूनिवर्सिटी को ही छूट दे रखी है कि वो जिस प्रकार से भी एग्जाम लेना चाहे, वो ऑनलाइन ऑफलाइन जिस प्रकार से भी लेना चाहेगी, तो वो वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार वही निर्णय लेगी, और दोनों ही ऑप्शन खुले हैं। कोरोना की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और किसान जो है वो धरने पे बैठे हुए हैं, क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए? नहीं, सरकार को तो क्या किसानों को ही करना चाहिए, कोई ऐसी बात है ही नहीं उसमें, अब कानून में कोई कमी नहीं है, अब उसमें जिद कर रहे, अब नई नई बातें उभर गई सामने। अभी मैं सुबह एक वो देख रहा था, अपना असंत का था, तो वहाँ जो डॉक्टर थे वो कोरोना वैक्सीन के इंजेक्शन लगाने गए, तो कुछ लोगों ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया और उस वैक्सीन में ही कमी बता दी, और कहने लगे कि कोरोना कहीं है ही नहीं। पूरी दुनिया जहाँ कोरोना से भयभीत है और पूरी दुनिया के सामने कितना बड़ा संकट है, और अगर कोई आदमी ये कहे कि कोरोना है ही नहीं, तो इस प्रकार से जो बहकाने का काम कर रहे हैं ना जी, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि भी हम अपने गाँव में इंजेक्शन नहीं लगने देंगे,
तो ये सारी की सारी ये खाली वैक्सीन की नहीं, कानून भी ऐसी है, कानून के मामले भी यही है ना, तो उसकी जानकारी है कि कानून क्या है और ना ही वैक्सीन की जानकारी है, लेकिन दोनों की चीजों के एक्सपर्ट बन रहे हैं कि वैक्सीन के बारे में भी राय हम देंगे कि ये लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए, ये तो डॉक्टर का काम है, वो जानता है। मान लीजिए मैं मंत्री हूँ तो मंत्री बनने के बाद मुझे भी पता है इसका, तो डॉक्टर का विषय है ना जी, और जो कानून बनाने का विषय है वो भी उसके एक्सपर्ट बन रहे, वो कानून देखा भी नहीं, जो चीज पक्ष में है वो कहने लगा कि विचार विमर्श से बनना चाहिए, तो एक बार पता तो कर लो विचार विमर्श होगा नहीं है, 19 साल हो गए विचार विमर्श चलते, और सिलेक्ट कमेटी को कानून को भेज दिया कि भाई ये आप इसके बारे में विचार करके, 30 MP होते हैं, मतलब मिनी पार्लियामेंट होती है वो, 30 आदमी उसके मेंबर हैं और वो सारी पार्टियों के हैं, उसमें कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, DMK भी है, आप भी है और अन्य भी जो पार्टी सपा भी है, सब पार्टियों के मेंबर उसमें थे, और सब पार्टियों के मेंबर सिलेक्ट कमेटी ने अपना विचार दिया कि इसको अक्सर से इसको लागू करना चाहिए, और उसके बाद कहो कि भाई आपने सलाह नहीं की, तो सलाह किसके साथ, हजारों लोगों के साथ जो इसके एक्सपर्ट थे उनके साथ विशेषज्ञों ने राय की कि ये कानून सही है, तो उन सब की राय है कि ये सही है, बढ़ना चाहिए ऐसा कानून बढ़ना चाहिए, जो MLA थे जो MP थे उन सब के साथ विधानसभाओं में लोकसभा में उसके ऊपर चर्चा हुई, अन्य अन्य जगह पर 19 साल तक चर्चा चलती रही, 19 साल के बाद कानून बना, अब कहने लगे तो कोरोना के काल में लिए, भाई पता तो करो कब से शुरू हो रहा, 2001 में इस पर कार्रवाई शुरू हुई थी और 2001 से कार्रवाई चलती चलती ऐसा गया, मतलब इतने लंबे टाइम तक जुड़े प्रतिनिधि थे उन्हें किसान की चिंता ही नहीं थी, तो वो सारे किसान की चिंता करने वाले थे, किसान के प्रतिनिधि थे, तो उन्होंने सबने विचार करके इस कानून को बनाया, निश्चित तौर से देश के भी हित में और किसान के भी हित में, और इसमें कहीं कोई जबरदस्ती है ही नहीं, आपका मंडी में मन करता है तो आप मंडी में बेचो, आपका मन करता है तो आप बाहर बेचो, बाहर की छूट ही तो दी, लिया तो कुछ नहीं, आपका मन करता है आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करो, आपका नहीं करता आप जैसे पहले कर रहे वैसे करते हो, इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जरूरी नहीं है, तो इसमें कहीं इस प्रकार की ही नहीं। अब जो स्टॉक की बात है, अब एक टाइम था जब स्टॉक पे रोक लगाई थी तब देश में उत्पादन कम था, जरूरत ज्यादा थी उत्पादन कम था, आज उत्पादन ज्यादा है, लगभग 2.5-3 गुना ज्यादा है, तो वो सुरक्षित रहे उसके लिए जरूरी था कि प्राइवेट सेक्टर भी उसमें अपनी हिस्सेदारी करे और वो भी उसमें सहयोग करे, तो अगर उसके लिए कोई कानून बनाया तो उसमें दिक्कत क्या, और अगर इसको सारे को लागू करने के बाद मान लीजिए आपको लगता है कोई समस्या हुआ तो पार्लियामेंट कहीं चली गई, तो पार्लियामेंट पुनर्विचार कर सकती है, ये पार्लियामेंट भी कर सकती है, आने वाली पार्लियामेंट भी विचार कर सकती है, तो दोबारा उसमें चेंज हो सकता है, देश का संविधान लिखा गया तो इसके मतलब ये तो नहीं कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, कितने ही है सैकड़ों परिवर्तन है, तो इस पर पुनर्विचार किया जा सका, अगर मान लीजिए इससे कोई नुकसान होता है जैसा ये कह रहे दोबारा से विचार कर लो, दोबारा उसको ठीक कर लो, इसमें क्या दिक्कत है, लेकिन एक जिद करने लगे नहीं हम तो ये मनवाया कटेंगे, हम तो जिद करेंगे, तो ये मैं समझता हूँ ना ही ये किसान के हित में है ना ही ये देश के हित में, मुझे लगता है केवल और केवल अपनी राजनीति अपना महत्व बढ़ाने के लिए कुछ लोग इसको करना चाहते हैं, उनका उद्देश्य कोई किसान वाला नहीं है। धन्यवाद। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं, तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।